लेट्स रैप इट, आज इस बारे में बात करते हैं। सो हेलो वेलकम टू यू, आपके सिंह मोबाइल एंड रिसेंटली बर्किन ने एक नया प्रोडक्ट निकाला है एंड ऑब्वियसली अगर निकाला तो हम तो ट्राई करने ही वाले हैं, ठीक है। बट ना हम उस पर एक चीज से कंपेयर करेंगे एंड वो है उसका कंपेटिटर मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट निकाला है ना वो मैकडॉनल्ड्स के बाद सेम है। बट उससे पहले इट्स टाइम फॉर, जब फोन बजता तो करता है ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, टुडे वी गोइंग टू हैव बर्गर किंग किंग किंग। मुझे लग रहा है रैप से होने वाली, बट बर्किन से होगा। सो ओनली फॉर यू गाइस, टुडे वी गोइंग टू ट्राई बर्किन की नई चीज, देखते क्या है, लेट्स ईट इट। ओके तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ने भाई साहब बताएंगे बर्किन ने क्या निकाला है एंड हम सब किससे कंपीट कराने वाले, भाई साहब बता दो। ओके तो बर्किन ने निकाला है पनीर रॉयल रैप फॉर 209 रुपीस, मतलब 209 रुपए, और मैकडॉनल्ड्स के पास पहले से ही है मिक्स स्पाइसी पनीर रैप फॉर 208 रुपीस, 208 रुपए, 1 रुपए का फर्क है, 1 रुपए फर्क है उसने, मतलब थोड़ी चीटिंग मीटिंग करी है ताकि लगे ना चीटिंग करी, उसने 1 रुपए बढ़ा दिया, ठीक है। एंड ये हमारे दोनों रैप्स हैं, ये बर्किन का रैप है एंड ये मैकडॉनल्ड्स का रैप है जिसको हम सदियों से खा रहे हैं। ये कब से है, स्टार्टिंग से, यस डायनासोर के टाइम से है बर्किन का, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे। भाई साहब क्या कह रहे थे बताओ, ये तो अभी है। अच्छा ये तो अभी आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राई करने वाले मैकडॉनल्ड्स का रैप, ऑब्वियसली वो ओजी है, ओपी है, पोजी है, टोजी, ठीक है। उसके बाद हम ट्राई करेंगे वर्किंग नया वाला। लेट्स ट्राई मैकडॉनल्ड्स। ओके सो इट्स टाइम फॉर मैकडॉनल्ड्स का रैप एंड ये सबसे पुराना रैप है, जब हमें पता चला कि रैप होती क्या चीज है, बचपन से खाते आ रहे हैं, बचपन से खाते आ रहे हैं। अभी बर्किन ने वेजिटेरियन निकाला तो इसलिए हम उसको वेजिटेरियन वाले से कम्पीट कर रहे हैं एंड कभी फ्यूचर में नॉन वेजिटेरियन आया तो फिर वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर बताता हूं क्या क्या, बट इसके ऊपर तो है टॉटिया, ठीक है, एंड ये होल व्हीट टॉटिया है, एग्जैक्टली होल व्हीट टॉटिया। पहले ये नहीं होती, पहले होती थी नॉर्मल फ्लावर वाली, अभी ये जो व्हाइट वाली होती है ना, जैसे टाकबेल वाली यूज करते हैं वो वाली, ठीक है। इसके अंदर वेजिटेबल्स है, इनकी सॉस होती है, मयो होती है, दिस चीज एंड ऑब्वियसली जो पनीर है वो होता है, मतलब फ्राइड वाला, ठीक है, मिक्स स्पाइसी पनीर का जो आता है। भाई साहब बहुत ज्यादा रैप खाते तो ये सबसे अच्छा, मैं रैप का एक्सपर्ट हूँ खाने में, यस, तो ये सबसे अच्छे तरीके से बता पाएगा कि बर्किन का अच्छा रैप है या फिर मैकडॉनल्ड्स का। तो भाई साहब उठा लो आप, ओके, एंड खाते हैं एंड इसके अंदर लेटेस्ट वगैरह सब होता है, सब आपको पता ही है, ठीक है, बट स्टिल अभी कंपेयर कर रहे हैं ना, ये आई थिंक सबने खाया होगा, ये वाला ये सबने खाया होगा एंड ये 208 रुपीस का। भाई साहब आज खा के देखते हैं मैकडॉनल्ड्स का कैसी रेप्लिकेट भी नहीं हो सकते। तो अगर बर्गर किंग ने आज उसको रेप्लिकेट कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि बर्गर किंग गॉड है। रेप्लिकेट ऐसे बेटर बना है, हाँ, इसे बेटर भी अगर हो तो इम्पॉसिबल, बेटर नहीं हो सकता इससे। तो अभी हमने खा लिया, ठीक है, अभी मेन हमें चीज देखनी है बर्गर किंग का रैप कैसा है, ठीक है, अभी वो खाते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ बात करने वाला है नहीं, आपको पता है, आपको पता ही है मेन रीजन कंपैरिजन का, अभी खाते हैं बर्गर किंग का रैप, लेट्स ईट। ओके सो इट्स टाइम फॉर सेकंड रैप एंड ये है बर्गर किंग का न्यूली इंट्रोड्यूस पनीर रॉयल रैप, ठीक है, इसका प्राइस 209 रुपीस, मतलब 1 रुपए का फर्क है, yes, तो 1 रुपए का अगर आपके पास है तो आप बर्गर का रैप खा सकते हो, नहीं खा सकते, तो ये देखना पहले अच्छा है कि yes. नहीं, वर्थ भी है कि नहीं है। तो अभी आपको रैप दिखाए थे, ठीक है, बट ये आपको अच्छी तरीके से दिखाएंगे क्योंकि हमने ऐसे दिखाया था। इसके अंदर जो टॉटिया है वो व्हाइट कलर की है, मतलब ये मैदे की है, इसके अंदर इन्होंने आटा यूज नहीं किया, ठीक है, उसमें पहली वाली में होल व्हीट थी, मतलब आटा एंड यू नो वो सब जो भी होते हैं ग्रेन मिक्स टाइप के या मिक्स ग्रेन से उसके अंदर, एंड ये वो है फ्लावर वाली टॉटिया है। इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर उन्होंने सॉस डाली है, ठीक है, अनियंस है, मयो है, टमेटो है, समवॉट समथिंग वेरी सिमिलर टू मैकडॉनल्ड्स, बेसिकली कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, यस, बट इसके अंदर भी ये जो सॉस डाली उन्होंने रेड कलर की, उसी ऑरेंज कलर की जो इनकी सिग्नेचर सॉस है जो ऑलमोस्ट इनके हर प्रोडक्ट में होती है, वो इसमें एक एक्स्ट्रा एड ऑन है। तो भाई साहब उठा लो आप एंड मैं फिर से आप लोगों एक बार देख के बता देता हूँ इसके अंदर भाई क्या क्या है, ठीक है, सॉस है एंड इसके अंदर चीज है या नहीं है, मुझे मुझे तो चीज नहीं दिख रहा इसके अंदर, चीज मुझे दिख नहीं रहा, अब चीज नहीं है, चीज हो सकता है कहीं पर हो बट अभी दिख नहीं रहा एंड इसके अंदर बाकी भी जो लगे से थोड़ी कम फ्रेशर लग रही है इन कंपैरिजन टू मैकडॉनल्ड्स, वो तो है, वो है, ठीक है, अ लिटिल लेस फ्रेशर। तो आ जाओ भाई साहब ट्राई करके देखते हैं बर्गर किंग का रैप एंड रॉयल रैप, अब पता चलेगा कि रैप है किसका, एग्जैक्टली, लेट्स ट्राई। ना भाई ये रैप ना इसमें काफी इंडियन टेस्टिंग फ्लेवर्स हैं जो आई बिलीव ऐसा है, जब वो वाला वो भी इंडियन डिशिंग है सेम स्पाइसेस टाइप के इंडियन टाइप के, बट इसमें कुछ तो है जो ज्यादा एक मसाले वाली फील दे रहा है, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट ऑन पार विद दैट वन। बट अगर मैं मैकडॉनल्ड्स वाले रैप की बात करता हूँ ना, यू नो दिस पर्टिकुलर वन जो सबसे पुराना वाला है, इसके अंदर जो फ्लेवर्स है ना वो आपको ना कहीं मिलेंगे नहीं, ये बात है।
बट ऐसा रैप ना मतलब हो सकता है आप किसी कैफे में जाके खा लो या कहीं पर यू नो ये जो मिलते हैं रैप वगैरह नॉर्मल जो कहीं पर भी मिलते हैं वैसा टेस्ट करते हैं। मुझे अभी एक ही ज्यादा ये जो टाको बेल का एक पनीर वाला एक फीलिंग आती है वो एग्जैक्टली सेम टेस्ट करती है। तो वो आपने खाया वो हो सकता है कि वही कह रहा हूँ सिमिलर टेस्टिंग फ्लेवर्स हैं एंड ऐसा कुछ नया नहीं लगा बट ये जो चीज़ है ये बात तो है ये कॉम्बिनेशन इनका मयो इनकी लेटेस्ट इनका पनीर इवन वो होल व्हीट वाली टॉर्टिया इफ यू इनटू हेल्दी यू नो फूड वगैरह अगर आपको लगता है कि आप हेल्दी हो नहीं रहा फ्राइड पनीर खा रहे बट यस अगर मैं इसे जेन्युइनली पूछोगे तो मुझे मैकडॉनल्ड्स वाला बेटर ऑफ कोर्स वो तो अनडाउटेडली मैकडॉनल्ड्स तो इसको कोई डीथ्रोन कर ही नहीं सकता कभी भी जिंदगी एंड अनदर थिंग टू ऐड ऑन इज दैट जो मैकडॉनल्ड्स वाला है ना उसका टेक्सचर से पनीर थोड़ा सा क्रिस्पी है इसके अंदर की और बर्गर किंग वाले में जो पनीर है वो भी सॉफ्ट है टॉर्टिया भी सॉफ्ट है देन देयर सॉसेस देन देयर इज मयो वेजिटेबल्स टोमेटो वो भी सॉफ्ट है तो मतलब ऐसा लगता है आप सिर्फ मश में बाइट कर रहे हैं एंड गॉट इज ये ज्यादा अच्छे से फोल्डेड भी नहीं है ये हो सकता है हमारा आउटलेट का की बात हो बट इट इज ये तो फोल्डेड नहीं यस बट मैं उसके तक कंसीडर मैं पर्सनली नहीं करता मुझे लगता है टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा तो फोल्ड भी क्या करेगा ठीक है तो आज की वीडियो में हमने खाए दोनों के दोनों रैप एंड हम इसको बोलते हैं बढ़िया वाला मैकडॉनल्ड्स हमेशा के लिए विनर है हमेशा के लिए विनर है ठीक है ना खा लिए तो भाई साहब लोगों जाने से पहले करना रैप करके बताओ आपने लाइक करना शेयर करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबाना क्योंकि नोटिफिकेशन आने पर और ऐसी नई नई वीडियोस देखिए क्योंकि ऐसी कोई वीडियो कहीं नहीं मिलेगी यहां मिलेगी MC, ठीक है इसमें तेरा घर जाएगा आज की वीडियो में। Keep it, keep knowing, until then, bye bye.